तो हे गाइस एंड वेलकम बैक द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज की वीडियो में आपको बिल्कुल इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। इस टाइप की आप एथेटिक्स वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो, बिल्कुल इस टाइप की गाइस। जैसे कि बैकग्राउंड में तीन वीडियो चल रही हैं एंड ये वाला इफेक्ट कैसे डाल सकते हो इसमें, जैसे कि मतलब बिल्कुल सेम ऐसी वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो एंड वीडियो ड्रॉप हो जाती है इस इफेक्ट में, तो ये सब कैसे करोगे, बिल्कुल इस टाइप की वीडियो एडिट करना बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप सभी, और कौन सी एप्लीकेशन का आपको यूज करना पड़ेगा वो भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखना, आपको वीडियो एडिट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिखा दूंगा इस टाइप की कैसे करनी है एडिट। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो गाइस ये वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, VN एंड Precool। तो गाइस आपको VN प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, वाटरमार्क भी नहीं आएगा। एंड Precool का मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, Precool ऐप का, वहीं से आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि फ्री मिलेगा सब कुछ। नहीं तो आपको प्ले स्टोर से Precool ऐप इंस्टॉल करने पे कुछ फ्री नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो लिंक से डाउनलोड करना Precool एंड VN आपको प्ले स्टोर से कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले हम चलो VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, चलो। एंड यहां पे आपको देखो नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, एंड यहां पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहां पे आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस भी वीडियो को यहां पे आप एडिट कर रहे हो तो वो वाली वीडियो यहां पे आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना। एक तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया वीडियो, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले इधर आना है, और इधर आने के बाद में यहाँ पे लिख रहा है जिस पर वी और जी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे दोनों उंगलियों से आपको इस तरीके से देखो देख सकते हो, ठीक है? तो पकड़ के आपको इस तरीके से करना है, एंड इसको इस तरीके से मुड़ा लेना है, ठीक है? रोटेट कर लेना है। ओके, एंड रोटेट करने के बाद में इसको इस तरीके से कर लेना आप, ठीक है? एंड इसको आपको ऊपर लगा देना है इस तरीके से, ठीक है? तो ये ऊपर लगा देते हैं इसको, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी लगा देना। तो ये मैंने इसको लगा दिया। ओके, तो इसको लगाने के बाद में यहाँ पे आपको इसको डन कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको इधर आना है, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले आइकन पे, ठीक है? इमेज वाले पे, एंड वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इसी वीडियो को आपको दोबारा ले लेना है, ठीक है? तो दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। ओके, एंड इसको रोटेट करके इस बार इधर की साइड से ऐसे लगा देंगे, ठीक है? और बीच में आपको गैप छोड़ना है थोड़ा सा, ठीक है? जैसे कि मैंने छोड़ दिया ये इतना, आपको उतना छोड़ देना है। ओके, एंड यहाँ पे हम एक बार इस पे और क्लिक करेंगे, ठीक है? इमेज वाले पे, एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो को एक बार और ले आएंगे, ठीक है? तो आप अपनी वीडियो को ले के आ जाना एक बार और, ठीक है? तो इस वाली वीडियो को हम लेके आ जाते हैं, और आपके को अलग अलग वीडियो भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बस सिर्फ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको ले आया, एंड इसको हम इसी तरीके से सेम तरीके से लगाएंगे, ठीक है? तो आप भी इसी तरीके से लगाना, एंड बीच में जगह जरूर रहनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, एंड ये हमारा हो गया, ठीक है? इतना काम हो गया। एंड यहाँ पे आप सारे वीडियोस का यहाँ पे साउंड को रिमूव कर देना, ठीक है? साउंड को यहाँ पे ऑफ कर देना, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑफ कर देना, ये सारे जितनी भी वीडियो है ना, एक वीडियो का रहने देना, तो यहाँ पे मैंने सबको ऑफ कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपका इस टाइप का ये वीडियो बन जाएगा, ये लास्ट से डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा वीडियो। ओके, तो ये इस टाइप का जैसे ही आपका बन जाए तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे चलो इस वीडियो को सेव कर लिया है। तो अब गाइस आपको अपना Precool एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना Precool एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे देखो आपको ना नेट कनेक्शन जरूर से आप ऑन करके रखना, ठीक है? क्योंकि ये नेट से ही चलता है, तो यहाँ पे अपना नेट कनेक्शन जरूर से ऑन करके रखना। एंड यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड अपनी जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट की है ना, वाली वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली वीडियो हम चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये वाली वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, जिसकी आप देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आपको इस वाले निशान पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट, ठीक है? तो एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, एंड यहां पे आपको इधर जाना है, स्क्रॉल करना है। ओके, एंड स्क्रॉल करने के बाद में यहां पे देखो आपको एक इधर की साइड में, ये इधर की साइड से फोर्थ नंबर पे आपको लास्ट की साइड से ये मिल जाएगा, ठीक है? इस वाले पे आपको क्लिक करना है, एंड यहां पे आपको इधर की साइड से इधर की साइड इस तरीके से करना है, ठीक है? तो देखो ये मैंने जैसे की कर रहा हूं वैसे करना आप सभी, ये देखो इस टाइप का हो जाएगा वीडियो, जैसा का वो वीडियो था वैसा ये वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप आगे की साइड करोगे तो कुछ इस तरीके का होगा, और पीछे सेट करोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको कर लेना, एंड ये देखो इस तरीके का वीडियो बन चुका है अभी। ओके, एंड यहां से कर देते हैं डन, एंड यहां पे
इस वीडियो को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस वाले सेव वाले निशान पे क्लिक करना है एंड इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना अभी, ठीक है। तो ये वीडियो देखो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत तेजाई से, ठीक है। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने के बाद में गाइस आपको फिर से यहाँ पे VN एप्लीकेशन में चलना है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं VN एप्लीकेशन में। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से VN एप्लीकेशन में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पे चलते हैं बैक VN में, ठीक है। तो शुरू से आप ओपन कर लेना इसको। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और अभी जो आपने वीडियो एडिट किया है वहाँ पे वाला वीडियो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो ये वाला वीडियो ले लिया एंड लेने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको देखो जो भी वीडियो लगाना है ना ऊपर की साइड में जैसे ड्रॉप होके आएगी, ठीक है। तो वो वीडियो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस वाले पे एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है वीडियो वाले पे। एंड चलो मैं इसी वीडियो को ले लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, ये वीडियो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब गाइज यहाँ से भी आप इस वीडियो को ड्रॉप करना चाहते हो ऊपर से, ठीक है, नीचे को, तो वहां से आपको इस वीडियो को कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस वीडियो पे क्लिक करना एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखो नीचे की वीडियो भी यहीं से कट करनी है एंड ऊपर की भी यहीं से कट करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, इसको कैंची से कट कर देना है एंड यहाँ पे जितनी भी शुरू की वीडियो है वो आप यहाँ पे डिलीट मार देना एंड यहाँ पे आप नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करना और यहीं से ये वीडियो को कट कर देना। ओके, कट कर दिया आप गाइस, ठीक है। तो अब आपको नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करना है। नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको फिल्टर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इधर आना है, ठीक है, सबसे लास्ट में आना है। और लास्ट में आने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको एक मिनट रुको, ये तो लास्ट में आना है, फिल्टर पे क्लिक करना है एंड सबसे लास्ट में आना है आप सभी को। और यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद में आपको एक ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो P7 करके, तो इस वाले को आपको इस पे अप्लाई कर देना है एंड डन कर देना है नीचे वाली वीडियो पे, ठीक है। अब आपको ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इतना ये कर लिया, इतना कर लिया। ओके, एंड अब गाइज इसमें हम वाला ड्रॉप वाला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो सेक वाले पे, यहाँ पे एफएक्स वाले पे क्लिक करना है आपको, एफएक्स वाले पे वीडियो पे क्लिक करके ऊपर वाली पे एंड यहाँ पे आपको इधर आना है और यहाँ पे देखो आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इनमें से कोई सा भी मत लगाना आप सभी, ठीक है। कोई अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो, बट आपको ये वाला लगाना है, देखो ये डाउन वाला, जिल्टर डाउन वाला, ठीक है। तो ये वाला आप इसमें लगा देना एंड इसका कर देना बिल्कुल, ये देख सकते हो स्पीड आने वाली, ये कर देना बिल्कुल फुल। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया फुल एंड ये देखो कुछ इस तरीके का ये वीडियो बन जाएगा। अभी मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देख सकते हो, ठीक है। तो पीछे मतलब बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा जैसे कि वो वीडियो था, वैसा हो जाएगा। ओके, अब गाइज हम वो वाला इफेक्ट डालेंगे जैसे कि हमने उस वीडियो में डाला था, ठीक है। तो इस वीडियो को हमें एक बार और एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक कर देंगे और इस वीडियो को हम चलो एक बार और एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करना और उसके बाद में आपको फिर से प्रीक्यूल एप्लीकेशन में चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट होने देते हैं। तो गाइस ये वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो गया जैसे कि आप देख सकते हो एंड अब आपको फिर से प्रीक्यूल एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड आपने जो वीडियो अभी एडिट किया था VN में तो वाला वीडियो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सभी को फिर से एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको उसी वाले में जाना है, लास्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वही सेम करना है, देखो इस तरीके से जैसे कि ये हमने किया था, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, देखो ये, एंड ये हमारा देखो ये वीडियो बन गया। ओके, यहाँ से कर देते हैं डन एंड यहाँ पे आप देख लो वीडियो को अभी शुरू से देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल देख सकते हो वैसा वीडियो बन के रेडी हो चुका है जैसे कि वो वीडियो था, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोई भी कमी नहीं है एंड बिल्कुल हमारा कमाल का वीडियो यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। और गाइस आप चाहो तो इसमें मतलब अपना फिल्टर विल्टर लगा के और अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हो। आपको देखो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप अपने मतलब फिल्टर वगैरह लगा सकते हो। देखो ये बहुत कमाल कमाल के फिल्टर मिल जाएंगे आपको इसमें, तो आप यहाँ पे लगा देना एंड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, आप चाहो तो कोई सा भी इफेक्ट इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये वाला इफेक्ट अभी इसमें यूज करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो वीडियो कितना कमाल का बनकर रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही कमाल का वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो आपका वीडियो जैसे ही बन जाए आप यहाँ आपको इस वाले सेव वाले निशान पर क्लिक करना है एंड देख सकते हो आपकी वीडियो बिल्कुल फुल एचडी
एचडी में एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्वालिटी आपकी नहीं जाएगी, बिल्कुल फुल एचडी में आपकी वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना, और आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो रेड वाले बटन को दबा करके एंड घंटी को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, देख सकते हो रवि राजपूत YT, वहां पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी बात करनी है, ठीक है, तो वहां पे जाकर मैसेज करना, वहां पे मैं रील वीडियो भी अपलोड करता हूं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।